नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। देखो, अक्सर क्या होता है कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है उनको पेरेंट्स, टीचर्स डेली का राइटिंग पेज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये मेथड भी जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप बच्चों को उनकी हैंडराइटिंग में कमियां नहीं बताएंगे। उनको आप जब तक ये नहीं बताते कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में क्या सही करना है, तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छी हैंडराइटिंग से पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही खुश रहते हैं, साथ ही साथ अच्छी हैंडराइटिंग आपकी हेल्प करती है एग्जाम्स में गुड मार्क्स दिलाने में। Now let's learn tips to improve handwriting. The first one is select a good pen to write. लिखने के लिए हमेशा एक अच्छे पेन का चुनाव करें। अब यहाँ अच्छा महंगे होने से बिल्कुल नहीं है, वो पेन जिसका लाइट वेट हो, यानी कि वजन कम हो और जिस पर आपकी ग्रिप अच्छी बनती हो। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर, हाउ टू होल्ड पेन, पेन को कैसे पकड़ना है। देखो, मैंने जो ये इमेज दिखाई है इसमें आप देखो पेन को कैसे पकड़ा हुआ है। आपको भी कोशिश करनी है इसी तरह से पेन पकड़ने की, लेकिन अगर आप इस तरह से पेन नहीं पकड़ते और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो इट्स ओके, अदरवाइज कोशिश करिए इसी तरह से पेन पकड़ने की। थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ लेटर्स। इंग्लिश में हम दो तरह के लेटर्स पढ़ते हैं, अपर केस लोअर केस। अपर केस लेटर्स का साइज हमेशा लोअर केस लेटर्स से बड़ा होना चाहिए। इंग्लिश में स्मॉल ए बी सी डी को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, टॉल, शॉर्ट, हैंगिंग। लोअर केस लेटर लिखते समय मेन बॉडी का साइज हमेशा इक्वल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कर्सिव राइटिंग। माना जाता है कि कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ एक लेटर आपका एक सेकंड बचाता है और एग्ज़ाम में आपका एक एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ सुंदर भी लगता है। फिफ्थ पॉइंट इज लेटर स्पेस। दो लेटर्स के बीच हमेशा सही स्पेस देना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उस लिखते हुए बहुत ज़्यादा स्पेस दे दो या बहुत ही कम स्पेस दे दो, इससे भी आपकी हैंडराइटिंग ख़राब होती है। सिक्स पॉइंट इज वर्ड स्पेसिंग, यानी कि दो वर्ड्स के बीच में हमेशा सही स्पेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं आप ज़्यादा स्पेस दे रहे हो, कहीं आप कम स्पेस दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।